ज्योति किचन में आज मैं लाई हूँ मैं आपके लिए अमरूद की सब्जी की रेसिपी। ये बिल्कुल नई रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है। इसमें खट्टे मीठे का भी स्वाद होता है। इसके लिए मैंने सौंफ, जीरा, राई, काला जीरा, मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ली है। सबसे पहले हमें अमरूद को, इसमें आपको पके हुए अमरूद यूज़ करने हैं। अमरूद को हम छील भी सकते हैं वरना आप ऐसे ही इसे कट कर लो। मैंने सारे अमरूद को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। अगर अमरूद के बीज बहुत ज़्यादा कड़े हैं तो आप उसे निकाल भी सकते हो, और अगर पके हुए अमरूद हैं तो आप बीज को भी रख सकते हो। इसी तरह से मैंने सारे अमरूद को कट कर लिया। ये देखिए इसके बीज थोड़े कड़े हैं इसलिए मैंने बीज को निकाल दिया। इसी तरीके से अमरूद को कट कर लेना। अब मैंने एक पैन पे एक चम्मच सरसों का तेल डाला है। जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें मैंने सबसे पहले जीरा ऐड किया, सौंफ, राई, काला जीरा। इन सबको डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें मैंने हरी मिर्च, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर को भी ऐड कर दिया। जब थोड़ी सी वो भून जाए तो उसमें हमें अमरूद को डालना और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। जब थोड़ी देर हो जाएगी, अमरूद हल्का भून जाए, तो इसमें फिर हमें नमक ऐड करना। नमक को डालने के बाद हमें इसे थोड़ी देर और अच्छे से मिक्स करना। ये देखिए ये लगभग भुन चुके हैं। जब ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया है, लगभग एक मिनट। एक मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये सब्जी बहुत ही अच्छी है, आपकी चावल या रोटी किसी के साथ भी इसे बनाकर खा सकते हो। इसमें थोड़ी मात्रा में मैंने पानी डाली है। पानी डालने के बाद इसे हमें लगभग दो मिनट तक पकाना है। ये देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब लगभग हमारी अमरूद की सब्जी बनके तैयार हो जाएगी तो इसमें मैंने एक चम्मच चीनी डाला है और आधा नींबू। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही खट्टी मीठी और बहुत ही चटपटी होती है। इसे डालने के बाद हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। चीनी भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया। अगर आप इसे एक बार बनाकर खाओगे तो ये इतनी टेस्टी लगेगी, इसे आप बार बार बनाकर खाना पसंद करोगे। आप इसे घर पे ट्राई करो और कमेंट करके बताओ कि ये सब्जी आपकी कैसी बनी है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही यूज़फुल